भागलपुर में जोक्सर टीओपी क्षेत्र के बूढ़ा नाथ गंगा घाट पर पानी में डूबने से दो छात्रों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को दोपहर में सोनवर्षा निवासी शंभू सिंह के पुत्र विक्रम कुमार और नवगछिया निवासी अजय दास के पुत्र आदर्श कुमार गंगा स्नान करने के लिए गया हुआ था। इसी क्रम में पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई। इस बारे में स्थानीय लोगों की माने तो दोनों स्नान करने के दौरान सेल्फी ले रहे थे, जिसके कारण पानी में उनका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में गिर गया था। वहीं दूसरी ओर इसकी सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर पानी में डूबे दोनों छात्राओं के शव को खोजना शुरू कर दिया। मौके पर स्थानीय थाना की पुलिस भी मौजूद थी। जितना गाछ है सर फील्ड में है, जितना भी गाछ है सब फील्ड में रह गया और होगा भी तो मेरे को फील्ड के बाहर ही रहना है। अरे क्या बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, खोजबीन होगा। यही लॉज में रहते हो, कहाँ पर लॉज है ये? हाँ बताओ। उसके बाद हम लोग 8:30 बजे आए थे, हम लोग रूम से 9 बजे तक मेरे मतलब आ चुके थे, यहाँ नहा रहे थे। उसके बाद लगभग 1 घंटा तक ना आए। उसके बाद जब हम लोग निकल रहे थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो हम लोग बोले कि सबको कि चलो अब। उसके बाद जब यहाँ आ गए कपड़ा लेके और चप्पल, तो देखते हैं वो नहीं था, तो हम पूरा गर्जने लगे सूखे सूखे। तो फिर तुरंत गए नीचे हम लोग पानी में, खोजें नहीं मिला। फिर गए पूरा खोजें, 1.5 घंटा तक नहीं मिला। तब उसके घर में फ़ोन किए। तुम्हारा क्या नाम है? बच्चा था या कि बड़ा था? वो चप्पल बच्चे का है? नहीं, वो तो बड़ा लग रहा है। नहीं, अगर बच्चे का है तो फिर बच्चा लिखिए, बड़ा है तो फिर बड़ा लिखिए। देख तेरे की मीडिया है ना, एक समझदार ना है, बात तो नहीं है। अरे वही दस रहा हूँ ना, दीवार का कुछ नहीं बस में। इसको फोन किया सुभाष, हम लोग परेशान हैं। अब पकड़ के रखना, पकड़ ले लाओ। कहाँ पर बच्चा? तो कैसे लेकर के आइएगा आप लोग? इसने घुसेगा नहीं है ना जी? आइए ना, कपड़े भी चल करके आइए। यहाँ कपड़ा से धस के नीचे गिर गया। इधर ले रहे सर, ये सब घर का। 1 मिनट 30 सेकंड तक।